हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन रेसिपीज़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे मटर पनीर, तो वीडियो को अंत तक पूरी ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम तड़के के लिए साबुत जीरा डाल देंगे। कुछ साबुत गरम मसाला डाल देंगे, एक कटी हुई प्याज, कुछ कलियां लहसुन की और कुछ अदरक के टुकड़े भी हम इसमें डाल देंगे। दो तेज पत्ता डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें हमने कुछ मसालों के पाउडर ऐड किए, जिसमें हमने गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाला है। साथ ही में हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि हमारा टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। स्वाद के अनुसार अब हम इसमें नमक डाल देंगे। ये देखिए, ये मसालों में से हमारा ऑयल अलग होने लगा है। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। इसमें से हम दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, तेजपत्ता को निकाल के अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। इसका हमें पेस्ट तैयार करना है। अब दूसरे पैन में हम बटर डाल देंगे। हम इसमें पनीर को शैलो फ्राई करेंगे। तो बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें पनीर की पीसेस को डाल देंगे। पीसेस को हमने ज़्यादा छोटा नहीं किया है, हमने पीसेस को बड़ा ही रखा है। अच्छे से हम इसे अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये पनीर हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं बटर में। अब गैस को हम बंद कर देंगे और पनीर को निकाल के रख लेंगे। तो ये कढ़ाई हमने गरम कर ली है। इसमें हम एक बड़ा चम्मच बटर डाल देंगे और एक कटोरी हम इसमें ताजे हरे मटर डाल देंगे। अच्छे से मटर को हम भून लेंगे। तो ये मटर हमारा अच्छे से भून चुका है, तो हम इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे। साथ ही में हम थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे। आप अपनी ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार अब हम इसमें नमक डाल देंगे और ढक के हम इसे बॉईल आने तक
पकने देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा बॉयल आना स्टार्ट हो गया है हमारी ग्रेवी में। एक दो बार हम इसे चला लेंगे। वापस से हम इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें पनीर के पीसेस को डाल देंगे। पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे। इसे पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि हमारा मसाला पहले से ही पका हुआ था। अब हाथों से क्रश करके हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, कुछ साबुत हरी मिर्च डाल देंगे। तो बस ये हमारा मटर पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे बना के आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।